जिस बच्चे का हाथ काट डाला गया हो, जिस बच्चे की माँ को मार डाला गया हो, जिस बच्चे को अनाथ कर दिया गया हो, जिस औरत को विधवा बना दिया गया हो, उन लोगों का क्या कसूर है? उन्हें न्याय कौन देगा? जो लोग सत्ता में है वो कहते हैं कि पहला ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट हमने दिया है, आप बाकी चीजों को भूल जाइए। इस देश का हुक्मरान अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ मिल करके हमारी जमीनों को हड़प रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों में आप जाकर के अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि इस देश का 50% आदिवासी कम से कम अपनी जमीन से 2 दफा डिस्प्लेस हो चुका है, उसे विस्थापित किया जा सका, और वो भी विकास के नाम पर। सरकार हर वर्ष अपने बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, इतने लाख करोड़ का, इतने खरब करोड़ का, इतने ये कर, इतने वो काम का पैसा हमने आदिवासियों के लिए दिया, लेकिन 75 वर्ष बाद भी सबसे ज्यादा भुखमरी आदिवासियों के बीच में है। साथियों, आज जब हम लोग यहां खड़े हुए हैं इस बात को लेकर के कि गोमपाड़ के जो लोग हैं, जो इस देश की बुनियाद में शामिल है, जो इस देश को बनाने वाले लोगों में शामिल है, जिनका इतिहास इस देश के बनने से शुरू होता है, वो लोग आज पिछले 13 से 14 साल से अपने लिए न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह देश जब अपनी आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, उस दौर में गोमपाड़ के आदिवासी, और गोमपाड़ ही नहीं इस पूरे देश के आदिवासी अपने लिए कुछ न्याय मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? आदिवासी लाइफ्स मैटर, क्या हमारी जान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या हम ऐसे ही हैं? आजादी के इन 75 वर्षों में हमें क्या हासिल हुआ? ये सवाल गोमपाट से लेकर के इस देश का तमाम आदिवासी पूछना चाहता है। क्या यही वो सपना था जो जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के भीतर देख रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लोगों को न्याय मिलेगा, मेरे लोगों के साथ भी वही सलूक होगा जो बाकी लोगों के साथ होता आया है, मेरे लोगों को भी बराबरी का दर्जा मिलेगा। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। क्या हुआ था गोमपाड़ में? ये कुछ पोस्टर्स यहां लगे हुए हैं, उधर भी कुछ पोस्टर्स हैं, इधर भी कुछ पोस्टर्स हैं, और पोस्टर्स के साथ साथ हमारे साथ कुछ साथी हैं जो विक्टिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों ने याचिका दायर की, हिमांशु जी, उनके ऊपर फाइन लगा दिया, ठीक है, इन्हें न्याय कौन देगा? कोई ये जवाब दे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इस देश का हुक्मरान ये बताए कि इन गोमपाड़ के आदिवासियों को न्याय कौन देगा? जिस बच्चे का हाथ काट डाला गया हो, जिस बच्चे की मां को मार डाला गया हो, जिस बच्चे को अनाथ कर दिया गया हो, जिस औरत को विधवा बना दिया गया हो, जिस व्यक्ति के अपने परिवारजनों को मार दिया गया हो, उन लोगों का क्या कसूर है? उन्हें न्याय कौन देगा? यह सवाल गोमपाड़ से लेकर के तमाम लोग पूछ रहे हैं। और जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय की धरती पर बैठे करके ये सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गोमपाड़ से लेकर के पूरे देश के आदिवासियों को एकदम से नेगलेक्ट करने की कोशिश चल रही है, इस देश से खत्म करने की कोशिश चल रही है, और वो एक संस्थानिक तरीके से चल रहा है। इस देश की सरकारें, इस देश के हुक्मरान, वो चाहे किसी भी पार्टी और किसी भी दल के क्यों ना हो, उनकी एक ही कोशिश है कि आदिवासियों को इस धरती से एलिमिनेट कर दिया जाए, इस धरती से खत्म कर दिया जाए, ताकि उनका जल, जंगल और जमीन उसको लूटा जा सके,
और इसीलिए गोमपाट से लेकर के तमाम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा पिछले साल मणिपुर के भीतर 14 आदिवासियों को मार दिया गया और पार्लियामेंट के भीतर कहा गया कि मिस्टेक एन आइडेंटिटी का मसला है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी लोग हमारा हुक्मरान ये पहचान नहीं पा रहा है कि ये आदिवासी हमारे देश का है या नहीं है, और वो मिस्टेक एन आइडेंटिटी के नाम पर अपने आप को साफ बचा करके ले जाता है और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें ये याद करने की जरूरत है कि इस देश के आदिवासी इलाकों में किस तरीके की लड़ाई चल रही है। जो लोग सत्ता में है वो कहते हैं कि पहला ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट हमने दिया है, आप बाकी चीजों को भूल जाइए। बिल्कुल नहीं, हमारी लड़ाई हमारे रिसोर्सेज को बचाने की है, हमारी लड़ाई हमारे रिसोर्सेज के साथ जिंदा रहने की है, हमारी लड़ाई हमारे कल्चर और हमारे अस्तित्व को बचा देने की है। लेकिन हो यह रहा है कि एक तरफ इस देश का हुक्मरान अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ मिलकर के हमारी जमीनों को हड़प रहा है, दूसरी तरफ आरएसएस से जैसे कुछ और संगठन के लोग हैं जो हमारी संस्कृति के ऊपर हमला कर रहे हैं। हमने देखा है पूरे के पूरे आदिवासी इलाकों में जाकर के आप देखिए, संस्कृति के नाम पर कोई आदिवासियों को हिंदू बना रहा, कोई मुसलमान बना रहा, कोई सिख बौद्ध जैन पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है। लगातार प्रोसेस चल रही है ताकि आदिवासी आइडेंटिटी को खत्म किया जा सके, और दूसरी तरफ नक्सलिज्म के नाम पर या किसी और नाम पर आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जा रहा है। याद कीजिए जब यहां पर बैठे हुए हैं आदिवासी साथी हमारे छत्तीसगढ़ के, इसी के साथ में इसी तरीके से आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के हस्ते में भी आदिवासी बैठे हुए हैं और वो भी अपने जंगल को इस देश के पूंजीपति और सरकारों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरीके से हजारों की तादाद में छत्तीसगढ़ के सिलगेर में आदिवासी अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। सरकार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर पुलिसिया कैंप लगाए जा रहे हैं, जबरिया कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने विकास का पैरामीटर ही बदल दिया। उनका कहना है कि आदिवासियों से जमीनें छीन लो, उसके बाद इनका क्या होगा किसी को नहीं पता। आजादी के इन 75 वर्षों में आप जाकर के अगर आंकड़े उठाकर के देखेंगे तो पाएंगे कि इस देश का 50% आदिवासी कम से कम अपनी जमीन से 2 दफा डिस्प्लेस हो चुका है, उसे विस्थापित किया जा सका और वो भी विकास के नाम पर। आप अगर आंकड़े उठाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा गरीबी आदिवासियों के बीच में पाई जाती है। सरकार हर वर्ष अपने बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, इतने लाख करोड़ का, इतने खरब करोड़ का, इतने ये कर, इतने वो का अमाउंट का पैसा हमने आदिवासियों के लिए दिया, लेकिन 75 वर्ष बाद भी सबसे ज्यादा भूखमरी आदिवासियों के बीच में है। एक ऐसा तबका जिसके पास अपने रिसोर्सेज थे, कभी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन आपने पहले उसकी जमीन छीनी और जमीन छीनने के बाद आपने उसके रिसोर्सेज छीन लिए और तमाम रिसोर्सेज छीनने के बाद उसे दूर कर दिया, बेदखल कर दिया, और आज वो भुखमरी के कगार पर है। शहरों में रहने वाला आधा से ज्यादा आदिवासी आबादी भुखमरी के कगार पर, बीपीएल की कैटेगरी में है। आजादी के इन 75 वर्षों में हमने जो अचीव किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि इस देश में आदिवासी जो व्यक्ति है, आदिवासी जो औरत है, किसी भी सामान्य औरत से 7 साल कम जिंदा रहती है। एक आदिवासी पुरुष सामान्य वर्ग के पुरुष से 4 साल कम जिंदा रहता है। किसी ने पूछा है ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हमारी लाइफ मैटर करती, क्यों हमारे सवालों को हमेशा इग्नोर किया जाता है, क्यों? तो जवाब उसका बहुत क्लियर है। जवाब इस तरीके से शुरुआत से अगर देखेंगे आदिवासियों की बुनियाद, अगर इस देश की बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे आजादी के बाद से, तब से ही आदिवासियों को साइडलाइन करने की कोशिशें हुई। कभी उनको ध्यान में रख करके नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू ही नहीं की गई।
उन्हें सिर्फ रिसोर्स के बतौर इस्तेमाल किया गया, उनकी जमीनों का इस्तेमाल उनके कारखानों को लगाने के लिए किया गया, और आदिवासी को अपनी जमीन से लगातार बेदखल किया जाता रहा। गोमपाड़ अकेला ऐसा जगह नहीं है जहां पर पहली बार इस देश में साबित हुआ हो कि आदिवासियों के साथ ये जो नरसंहार हुआ है, मसैकर शो हुआ है, और सरकार की ओर से हुआ है कहने पर। उन नरसंहारों के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हिमांशु जी बैठे हैं, आपको बताएंगे डिटेल वाइज, एक एक मसैकर के आपको डिटेल देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है जो पिछले 70 सालों से चला आ रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और रोकने के लिए ही हम यहां से कह रहे हैं कि गोमपाड़ के आदिवासियों को न्याय दिया जाए। उस बच्चे का हाथ किसने काटा, इस सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ना। इसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं हमारे हुक्मरान या जो लोग न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, वो इस बात को इंश्योर नहीं कर पाए कि जिस बच्चे का हाथ काटा गया वो हाथ काटने वाले लोग कौन है, ये क्यों नहीं पता लगा पाए? जिस बच्चे की मां को मार दिया गया वो कौन लोग थे, जिन्होंने रेप किए वो कौन लोग हैं? क्या ये जानने का हक गोमपाड़ के आदिवासियों को नहीं है? और इन्हीं सवालों के साथ हम लोग जो ये साथी हैं ये दिल्ली आए हैं, और ये सारी बातें आपके माध्यम से यही बताने के लिए कि इस देश के जंगलों में, इस देश के आदिवासी बाहुल इलाकों में इस देश की सरकारों ने एक जंग छेड़ी हुई है, उस जंग को रोकने के लिए हम लोग यहां पर आए हुए हैं।